नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चला है औरंगाबाद यानी आपसे जुड़ी खबरों का। औरंगाबाद ओबरा थाना क्षेत्र के तेजपुरा गांव में विवाहित और उसकी मां के साथ ससुराल वालों ने गुरुवार को मारपीट की है। विवाहित तेजपुरा गांव निवासी शशिकांत कुमार की पत्नी सोनी कुमारी है। मारपीट में दोनों माँ बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज हेतु ओबरा CHC में लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में घायल सोनी ने बताया कि वर्ष 2017 में हिंदू रीति रिवाज के साथ शशिकांत के साथ शादी हुई थी। दो बच्चे भी हैं। बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे पति और ससुराल वाले मायके से पैसा मंगवाने की बात कह मारपीट करते थे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते थे। जब इसकी सूचना माँ खुशबू देवी को दी तो माँ मेरे घर आई। माँ द्वारा समझाने पर ससुराल वालों द्वारा माँ को बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बताया कि ससुराल वाले द्वारा हमेशा मारपीट की जाती थी। ससुराल वाले पर प्राथमिकी हेतु थाना में आवेदन देंगे। थाना अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली है, लेकिन विवाहित के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही इस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। दोस्तों के साथ पुनपुन नदी नहाने गया किशोर डूबने से लापता हो गया। जानकारी के मुताबिक माली थाना क्षेत्र के बैरिया गांव निवासी मिथिलेश चौरसिया का पुत्र मीशु कुमार गुरुवार की सुबह अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैरिया स्थित पुनपुन नदी नहाने गया था। लगातार 4-5 दिनों से हो रही बारिश में पुनपुन नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। नहाने के क्रम में मीशू लापता हो गया। उसके साथ रहे दोस्तों ने उसे खोजने की काफी कोशिश की। जब वह नहीं मिला तो घटना की जानकारी उसके घर वालों को दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की नदी पर भीड़ उमड़ गई। सूचना मिलते ही माली थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और लापता किशोर को नदी में ढूंढने का प्रयास करने लगे। शाम तक लापता किशोर का कुछ पता नहीं चल सका तो ग्रामीणों और गोताखोरों के द्वारा लापता किशोर को खोजने का प्रयास अब तक जारी है। वहीं दूसरी ओर किशोर के लापता होने की खबर को सुनकर किशोर के पिता पलामू के छतरपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वहां से लौटने के क्रम में हरिहरगंज के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शुक्रवार की अहले सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से स्वास्थ्य के लिए सड़क पार कर रहे 57 वर्षीय अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नवीनगर प्रखंड के बड़े ओपी थाना क्षेत्र के ससना गांव की है। मृतक की पहचान उसी गांव के राम परवेश सिंह के रूप में हुई है। सदर अस्पताल पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों ने बताया कि राम परवेश सिंह अहले सुबह अपने घर से शौच के लिए बधार तरफ जा रहे थे। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। तो मैं लाइटिंग करने जा रहे थे, उधर आने के समय में उधर मार दिया धाकर गाड़ी वाला। कौन जगह पर? ससना NTPC। आपका घर? ससना हुआ। कौन सा थाना है? थाना बड़े थाना, ऑफिस बड़े थाना। इनका नाम? परवेश यादव जी। मौत हुआ उनका नाम? राम परवेश यादव। आप कौन हुए? मैं लड़का उनका। औरंगाबाद शीर्ष आवास पर कार्य कर रही एक महिला सफाई कर्मी पर छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी महिला सविता देवी जमोर निवासी पिंटूराम की पत्नी है। इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि शीर्ष आवास पर एक कमरे में साफ सफाई का कार्य कर रही थी, तभी छत का प्लास्टर टूटकर उनके सर के ऊपर गिर गया, जिसके कारण वह जख्मी हो गई। गौरतलब है कि शीर्ष आवास अत्यंत ही जर्जर हो चुका है, जिसके कारण खतरा की आशंका बनी रहती है। वहां रहने वाले चिकित्सक तथा कर्मी खतरे की आशंका से भयभीत रहते हैं। अगर समय रहते इसे दुरुस्त नहीं कराया गया तो आने वाले समय में बड़ी घटना घट सकती है। नवीनगर प्रखंड के NTPC खैरा थाना क्षेत्र के माडर गांव में गुरुवार की सुबह नाला में डूबकर लापता हुए किशोर के शव को शुक्रवार की सुबह नाला से कुछ दूरी पर झाड़ी से बरामद किया गया। मृतक किशोर की पहचान उसी गांव के मंटू कुमार के 8 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अंकित गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे अपने घर से 3 दोस्तों के साथ बधार की तरफ शौच करने गया था। उसी दौरान तीनों का पैर फिसलकर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गए। किसी तरह दो दोस्त नाले से बाहर आ गए, लेकिन कुछ ही क्षण में अंकित नाले के तेज बहाव से बहकर लापता हो गया। साथ रहे अन्य दोस्तों द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दी गई और थोड़ी ही देर में ग्रामीण और परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए।
अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए श्रीत्योग न्यूज़। कल फिर हम हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ।